नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान अली खान। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सुफियान इंटरनेट हब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, जो बिहार सरकार की योजना है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 19-20, 20-21, 21-22, तो उसका एक जो कि उसका लास्ट डेट 31 सितंबर था, जो कि बढ़ा के 15 अक्टूबर तक किया गया। तो इसमें एक अपडेट आया कि इसका डेट फिर से बढ़ाया गया। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, देखाता हूँ पोस्ट मैट्रिक ऑनलाइन। आप जैसे सर्च कीजिएगा तो ऊपर सबसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये खुल जाएगा आपको। जैसे वेबसाइट खुलता है तो इसमें आपको आ जाना है, सबसे ऊपर में दिखेगा, ये दिख रहा होगा कि देखिए यहाँ पे दिख रहा है इसका लास्ट डेट अप्लीकेशन 31-10-2021। तो ये डेट दो बार डेट बढ़ाया जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और नोटिस है कि यहाँ पे कह रहा है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र जिन्होंने NSP पोर्टल पर आवेदन दिया है, उन्हें इस पोर्टल पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो माइनॉरिटी लोग का जो है NSP पे ही पेमेंट होगा, क्योंकि मुस्लिम छात्र और सिख ईसाई जो भी इसमें, लेकिन स्पेशली अल्पसंख्यक जो बोला है मुस्लिम छात्र, बाकी के लिए नहीं बोला गया है, डिनोट किया गया। अल्पसंख्यक में जैसे आता है मुस्लिम, सिख ईसाई, क्रिश्चियन, तो छात्र जिन्होंने NSP पे, कई लोग क्या हो रहा है स्टूडेंट की यहाँ भी भर रहे हैं वहाँ भी भर रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं। जो कि NSP यहाँ पे जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहाँ पे दो चार कैटेगरी के लिए दिए गए, SC ST के लिए, दूसरा यहाँ पर है OBC और EBC, तो यहाँ पे चार कैटेगरी के लिए, बाकी जनरल के लिए कोई स्कीम यहाँ पे नहीं है। ये जो वेबसाइट है कम्प्लीटली बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया, इस साल से लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर पेमेंट क्या होगा, किन किन के लिए, जैसे कि अगर आप 12th 2019 में किए हैं मैट्रिक या इंटर, तो यहाँ पे आपको 19-20 में मैट्रिक इंटर के, या 20-21 में, या 21-22 में, तो आपको यहाँ पे दो या तीन, मैक्सिमम तीन चीज़ का यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। जैसे कि आपने अगर इनके सब आपने एडमिशन लिया है पहले 19-20 में पास हुए, तो उसका पेमेंट मिलेगा स्कॉलरशिप। दूसरा फिर आपने RTI के लिए, डिप्लोमा के लिए, उसका मिलेगा। अगर इनको BA किए हैं तो उसका, यहाँ पे मैक्सिमम तीन आवेदन आप कर सकते हैं। इसका कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे आएगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या, मैंने पहले आपको बताया। तो चलिए एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। चलिए OBC वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आपको ID पासवर्ड आपको ज़रूरत पड़ेगा। ID पासवर्ड बना लेने के बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन 4 है। पहले आपको सर्च कर लेना कि आपका इंस्टीट्यूट यहाँ रजिस्टर है कि नहीं, जिस कॉलेज इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं और रजिस्टर है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पे आ जाना है आपको, सर्च वाले। इसके बाद सबसे पहले आपको चूज कर लेना है, स्टेट अपना चूज कर लें, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना। मेरे केस में मैं जम्मू चूज कर लेता हूँ। जम्मू चूज करने के बाद यहाँ पे फिर आपको ब्लॉक अपना ले लेना है, मान लीजिए मैं ब्लॉक चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन, ITI और सीनियर सेकेंडरी 10+2, तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि ऑल रहने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सर्च करवा लेना है। तो यहाँ पे देखिए सर्च करवाइएगा, तो टोटल जो है 10+2 से लेके ग्रेजुएशन तक के जितने भी स्कूल इसमें लिस्टेड हैं वो सारा कुछ यहाँ दिखेगा। तो टोटल यहाँ पे 13 है, टोटल 13 इंस्टीट्यूट यहाँ पे रजिस्टर है। देखिए तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा होगा 10+2 के लिए, तो इसे आपको चेंज करके दिखाता हूँ। तो आप अपने आधार से चेंज कर, यहाँ पे ना ही स्कूल का बल्कि स्कूल का फुल डिटेल है, स्कूल के कौन से प्रिंसिपल हैं, उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, आप वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। जैसे ये स्कूल मान लीजिए JSPS लछुआड़ है, इनके कौन है कॉन्टेक्ट पर्सन, जो हेड मास्टर हैं अनिता कुमारी, मोबाइल नंबर, यहाँ से कौन कौन सा कोर्स डिटेल, ये सारा कुछ यहाँ से दिया गया है। तो इसको चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट ज़रूरी क्या क्या है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा कोर्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे दिया हुआ एक सेक्शन है कि ये जो है आर्ट्स के लिए है 10+2, साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए, ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स यहाँ पे ये किया हुआ तीनों साल के लिए। यहाँ पर देखिए 19 यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब तीनों साल का बैक डेट का
टोटल आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से भी हैं स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं 10+2, और कॉमर्स से भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं कॉमर्स में, तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले आ जाना है होम पेज पे, यहाँ पर हम लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉग इन करके मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता देता हूँ। रजिस्टर करने के लिए आप देख लीजिए SC ST से हैं तो यहाँ करना है, OBC और EBC से यहाँ करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आ जाना, देखिए यहाँ पर चार सेक्शन, यहाँ से आप इंस्टीट्यूट सर्च करवा सकते हैं, यहाँ से आप न्यू स्टूडेंट रजिस्टर, अगर आपको इंस्टीट्यूट रजिस्टर नहीं है तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल या फिर कॉलेज का स्टाफ को बोलिए कि यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना, और यहाँ से आपको लॉग इन कर लेना, पहले से रजिस्टर है और स्टूडेंट हु ऑलरेडी रजिस्टर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ से तो लॉग इन फॉर स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, जो इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो गया तो वो यहाँ से अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। तो चलिए मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करना, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपको न्यू पेज पर लाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे कुछ गाइडलाइन दिया गया है और टोटल स्टेप नंबर ऑफ 7 स्टेज है। एक में आपको रजिस्ट्रेशन करना, दूसरा में पर्सनल बैंक एंड डिटेल डालना, तीसरा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यहाँ पे चौथे नंबर पे जो है अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फोटो, और पांचवें नंबर पे फाइनलाइज करना है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड, मैंने पंजीकरण के लिए नियम और शर्तें को समझ लिया है, तीनों ऑप्शन को मैं बिहार का निवासी और आधार संख्या को अपने स्वेच्छा अनुसार दे रहा हूँ, तो इस वाले ऑप्शन को क्लिक। यहाँ पे एक और नोटिस है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र जिन्होंने NSP पोर्टल पर दे दी आवेदन दे, उसको यहाँ आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, अन्यथा उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ये बात कृपया ध्यान रहे, यहाँ पर आप लोग इस बात को गौर कीजिए, कहीं एक जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन करना। तो यहाँ पर देखिए आपको अपना नाम डालना है, जो फुल नेम आपका, वैलिड आईडी यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है जो आधार में, दूसरी बात यहाँ पर आपका जेंडर चूज कर लेना, मेल फीमेल है, यहाँ पे आधार नंबर डाल लेना, आधार कार्ड में जो आपका नेम है वो यहाँ पे डाल लेना, डेट ऑफ बर्थ आपके आधार के अनुसार यहाँ डाल लीजिए। तो उसके बाद आपको वेरीफाई कर लेना है आधार नंबर, जैसे आधार नंबर वेरीफाई करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एक मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे गेट OTP करना है, जनरेट OTP मोबाइल नंबर, OTP वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे ईमेल आईडी देना है, उसके बाद OTP वेरीफाई करवाना है, जनरेट OTP, उसके बाद यहाँ पे आपको 8 डिजिट का एक पासवर्ड बना लेना है, स्ट्रॉन्ग कैपिटल और स्मॉल मिला के, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड को यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे आप कन्फर्म पासवर्ड को यहाँ पर डालते हैं उसके बाद एक कैप्चा आपको दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको डाल के यहाँ पे प्रीव्यू करवाना है। तो यहाँ पे चलिए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू करवा के। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आ जाना है बैक टू अपने लॉगिन पेज पे। तो मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया हूँ, तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाते हैं OBC और इसी वाले सेक्शन में जाके लॉगिन करना है। यहाँ पे देखिए लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर स्टूडेंट, इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना यूज़र आईडी मैं डाल लेता हूँ, उसके बाद आपको पासवर्ड अपना डालना है। उसके बाद लॉगिन कर लेना, लॉगिन जैसे करते हैं आप तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं इसको मैंने। तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा चार सेक्शन, एक में है आपको स्कॉलरशिप डिटेल, दूसरा अपलोड करना, तीसरा आपको अप्लीकेशन स्टेटस, चौथा में यहाँ पर फाइनलाइज करना। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पर पहले आपको बैंक डिटेल अपना डाल के अपडेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऊपर में नाम दिखेगा, दूसरा आपका फादर नेम, तीसरा जेंडर आपका, चौथा यहाँ पे मदर नेम आपका, कास्ट कौन सा यहाँ पे देख लीजिए, कैटेगरी क्या चूज कर लीजिए, सब कैटेगरी यहाँ इंपॉर्टेंट, अगर सब कैटेगरी में आप आते हैं जैसे यहाँ पे कोई, तो इसका सब कैटेगरी होता है, अगर होता होगा जैसे मान लीजिए
कि ऐसे कैटेगरी से आप हैं जिसका सब कैटेगरी होता है। तो कुछ का जैसे है कि आप अगर इनके अशोक यादव हैं तो उसका सब कैटेगरी वाला रहता है, जैसे जाति आप बनाते होंगे तो उसको आप देखे होंगे, तो उसका सब कैटेगरी, या फिर आप पासवान हैं तो उसका सब कैटेगरी दूसरा रहता है। तो वो सब कैटेगरी आप देख के अपने अनुसार अगर रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ डालिएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं डालिएगा। उसके बाद आपको आ जाना है, डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कर लेना, उसके बाद आधार में जो नाम है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए हुए यहाँ दिखेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको चेक कर लेना। यहाँ पर रिलीजन अपना देख लीजिएगा, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी, यहाँ पे आपका यहाँ पे चूज कर लेना रिलीजन का, यहाँ पे वही होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेना है, रजिस्ट्रेशन में डिटेल, ईमेल आईडी, डोमिकल स्टेट जो कि बिहार है, ब्लॉक जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपको एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना। वही सेम आपका परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यहाँ पर टिक लगा कर सेम कर दीजिएगा, तो ये सेम हो जाएगा। और नीचे सेक्शन में आपको आ जाना है, नीचे सेक्शन में आपका IFSC कोड, बैंक का नेम, अकाउंट नंबर डाल के अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद आ जाना है फिर से बैंक, बैंक आने के बाद आपको यहाँ से एक फ़ोटो आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में, यहाँ पे ज़रूरी दस्तावेज क्या है डॉक्यूमेंट वो चेक कर लेना है। यहाँ पे देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको प्रिपेयर रहना है, तो चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट लगेगा, आवासीय लगेगा, डोमिकल होता है आवासीय, कास्ट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, इनकम आय प्रमाण पत्र, इनकम, ये तीन डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आपको इनकम के बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट एक लगेगा, और कॉलेज फीस रिसिप्ट लगेगा, उसके बाद लास्ट एग्जामिनेशन जो आप पास किए उसका मार्कशीट लगेगा, और कंपलसरी फीस का अगर कोई है कि ये फीस लग रहा है कुछ टाइप का तो वो अगर होगा तो दीजिएगा, वरना ये नॉन कंपलसरी, ये फीस का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये डॉक्यूमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, आपको बस इतना ही डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है, इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। आवासीय जाति आय हो सकता है तो आपको करंट बना लीजिएगा, क्योंकि वैक डेट वाला अपडेट नहीं, अगर करंट रहेगा तो यहाँ से वैलिडेट ओटे हो जाएगा, वो वैलिडेट करने का ऑप्शन रहता है तो वो वैलिडेट आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों को अभी डेट क्योंकि बहुत सारा है, 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, तो आप जाति आवासीय 5 से 7 दिन में आराम से ब्लॉक से बना के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अब यहाँ पे आता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, तो मैंने पहले भी बनाया कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट किस टाइप का होता है तो मैंने दिखा दिया। अब बोनाफाइड को मैं दिखा देता हूँ कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिखता है आखिर रहता है किस टाइप का। तो आप यहाँ पे देखिए, देखिए बोनाफाइड मुझे यहाँ पे दिख गया है, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट मेरा, देखिए बोनाफाइड स्टूडेंट सर्टिफिकेट। तो ये सेम लाइक फॉर्मेट आप एनएसटीम भी निकलता था, तो उसी टाइप का फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हैं, या फिर अपने इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर जो भी है जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ से जाके आप ले सकते हैं, वरना अपना एक टाइप करवा के इस टाइप पे यहाँ एक फ़ोटो का कॉलम डाल के फोटो देने के बाद अपने ईयर को यहाँ चूज कर लीजिएगा कि क्या है, 11th में है, 12th में है, यहाँ पे ईयर डाल दीजिएगा, यहाँ पर रोल नंबर कॉलेज डालेगा या फिर आप अपना डाल सकते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर फादर नेम रहेगा, इन सारे चीज़ को देने के बाद कॉलेज के मुहर साइन होगा वहाँ से कॉलेज से, तो यहाँ पे करवा के ला के आपको सबमिट कर देना है। ये चीज़ अगर यहाँ से उठ के यहाँ भी रहेगा तो दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि बोनाफाइड किस टाइप का दिखता है, मैंने बस आपको दिखाना चाहा कि किस टाइप का बोनाफाइड रहता है एक्चुअली। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।